हेलो दोस्तों, नमस्कार। उजाला बुटीक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, हमारी मशीन है जो धागा जब सिलाई करते हैं तो वो धागा छोड़ छोड़ के चलती है, यानी सही से सिलाई नहीं देती है। तो दोस्तों, क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, इसके दो तीन चार कारण हो सकते हैं। पहला तो शटल में प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा सुई में प्रॉब्लम हो सकती है, तीसरा जो हमारी जो टेंशन होती है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि सिलाई चला के हम आपको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, देख सकते हैं धागा मेरा एकदम सही तरीके से पड़ा है, जैसे डालना चाहिए उस तरीके से पड़ा है, देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपको सिलाई करके दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, जब हम सिलाई करते हैं तो कंडीशन आपको देख सकते हैं कि कैसी सिलाई चल रही है, नीचे टाँका सही से नहीं ले रही है मशीन। अभी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दोस्तों, हमेशा प्रॉब्लम शटल से भी नहीं हो सकती है और हमेशा सुई से भी नहीं प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, क्या हो सकती है? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। दोबारा फिर हम आपको चला के दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, समस्या वही से है, मैं धागा चल सही से सिलाई धागा नहीं दे रही है। तो हमें अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें देख लेना है। सबसे पहले हम दोस्तों शटल को देखेंगे। शटल से पहले हम इसकी सुई को चेक करके देखेंगे कि हाँ, सुई में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास एक पेचकस होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके धागा को चेक कर लेते हैं कि धागा में क्या प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा होता है कि धागा हमारा ज़्यादा ऐंठा हुआ आता है, यानी कि जब भी हम थोड़ा पास करते हैं तो एकदम धागा एकदम ऐंठ जाता है। तो दोस्तों, ऐसा धागा अगर चलाएंगे तो मशीन धागा काटेगी। तो दोस्तों, अब हम सुई को निकाल के देखते हैं, सुई में तो नहीं कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों, हमेशा जब भी सुई चलाएँ तो ओरिजिनल ऑर्गन कंपनी की लेके आएँ। दोस्तों, देख सकते हैं सुई हमारी चपटा वाला हिस्सा उस साइड होना चाहिए, तो वो इस साइड था। दोस्तों, कभी कभी आप लोग भी ऐसी गलती कर देते होंगे कि सुई उल्टी चढ़ा देते होंगे। तो दोस्तों, चपटे वाले हिस्से को हमेशा सीधे हाथ की तरफ रखें और जो लाइनिंग वाला हिस्सा होता है उसे टेढ़े हाथ की तरफ रखें। दोस्तों, अगर ऐसा करेंगे तभी आपकी मशीन सही से काम करेगी। दोस्तों, देख सकते हैं हमारी ऑर्गन कंपनी की सुई है, शायद आपको दिख रहा हो। देख सकते हैं दोस्तों, लाइट की वजह से सही से दिख नहीं रहा, लेकिन हमारी ये ओरिजिनल एकदम बढ़िया कंपनी की सुई है। आप भी अच्छी कंपनी की सुई लें, इसमें चलाएं तो ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं, अब हम आपको लगा के दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब हम इस सुई को बिल्कुल सीधा चढ़ाएँगे, जैसा चढ़ाना चाहिए। चपटा वाला हिस्सा हमारा सीधा सीधे हाथ की तरफ रहेगा, जस्ट इस साइड में। दोस्तों, सबसे पहले आयदर लगा लेते हैं। दोस्तों, बिल्कुल पूरी सुई अंदर तक डालनी पड़ेगी, मतलब इसमें जो ये गज होता है इसमें पूरी अंदर तक सुई को हमें पहुंचाना है, जहाँ पे इसका सेंटर है, उसके बाद हमें टाइट करके कस देना है। अब हम चला के देखेंगे मशीन को कि अब क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, सुई में प्रॉब्लम थी अथवा और कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों, अगर और कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, लेकिन वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों, या इसका मतलब है कि हमने सुई गलत चढ़ा दी थी। तो दोस्तों, जो भी नए बिगिनर्स, जो भी भाई बहन, जो भी सिलाई सीखते हैं, दोस्तों ये गलती हो ही जाती है। तो सबसे पहले हम सुई को ज़रूर चेक किया करें ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।